महोत्सव में पहुंचे नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता। नगर पंचायत में हो रहे विकास के साथ स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के साथ ही रामपुर 3 नगर पंचायत बनाने पर कहा कि जिले का चहुमुखी विकास होगा। मुख्यमंत्री ने इसलिए इसे नगर पंचायत बनाने का फैसला किया है। जल्द बनेगी रामपुर जिले के गाँव में नगर पंचायत। रामपुर महोत्सव वास्तव में बहुत अच्छा महोत्सव है और यहाँ के प्रशासन हम नीचे थोड़ा सामने प्रयास किया है, बहुत सराहनीय कार्य है। और यहाँ रामपुर में बहुत पहले कभी होता था कार्यक्रम, वो सब बंद पड़ा था और आपने एक शुरुआत की है और मुझे भी यूँ अच्छा लगा क्योंकि मैं चुनाव प्रभारी यहाँ रहा। मेरा यहाँ जन जन से ऐसा लगाव हो गया, मेरे मन में भी अब होता कि मैं अपने सब लोगों से मिलूँगा। मैं चुनाव में भी बहुत कसके लोगों ने मेहनत की थी, जो बहुत बेहतर रिजल्ट रहा था, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और इसी भाव से मैं यहाँ और यहाँ पर जो कार्यक्रम सब हुए अच्छे मिलने से। आपके विभाग की तरफ से आज क्या सौगात दी गई है और यहाँ इसके अलावा जैसे कि नगर पंचायत घोषित हुई है 3, इसके अलावा वो भी तो सौगात ही है जो नगर पंचायत दी है वो सौगात है और जो बाकी नगर पालिकाएं हैं। हाँ तो वो जो उनकी अहर्ता है वो पूरी होगी, तोड़फोड़ मिलेगी। सरकार PFI पे कब प्रतिबंध लगा रही है? अब वो सरकार का हमारे जो नेतृत्व है वो बहुत सोच समझ के जो भी निर्णय लेगा वो अपने नागरिकता के बारे में कोई देशभक्ति के बारे में देश के प्रति अच्छा कानून है। और जो हमारा जो और नेता है चाहे वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सब लोग इसलिए बरकरार रहे हैं कि मोदी जी की और योगी जी की सब योजनाएं सफल हो रही हैं और मोदी जी की एक एक योजनाएं सफल है और पूरे भारत ने उसका एक धन्यवाद दिया, पूरे भारत ने उसको अच्छे रूप से माना। अब इन लोगों को लगा कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए उन्होंने हमारे उस मुस्लिम भाइयों को भड़काया और वो भी अब सब समझ गया, अब कहीं भी कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, नागरिक समझ गया। ये जो मुख्यमंत्री जी बदला लेने की बात करते हैं, किससे बदला लेंगे? अपने उन्होंने अभी भाषण में की बात करते हैं, किससे बदला? ये जो दंगे हुए, जो आग भड़की, नहीं बदले की कोई बात नहीं है। उन्होंने तो कहा जिन्होंने भी ये जो कार्य गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्ती से होगी और इस प्रकार से सख्ती से होगी, वो भविष्य में कोई गलत कार्य न करे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ दंगा हुआ है क्या जो आरोपी हैं उनको अभी तक कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है? मैं इस बार नहीं जानता, जो भी कुछ आरोपी हैं उनकी सही रूप से जांच हो रही है, जो वास्तव में दोषी हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, निर्दोष कोई भी।